आज बॉक्स ऑफिस पे पठान मूवी को 27वां दिन स्टार्ट है और पठान मूवी का प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इसमें रिव्यू में आपको डे वन से लेकर डे 27 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे बात करें ज़्यादा मूवी के कलेक्शन के बारे में, पठान मूवी किस किस मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। अब तक पठान मूवी इंडिया की नंबर वन हाइएस्ट ग्रॉस मूवी बन चुकी है। फिल्म के मेकर ने मंडे को टिकट का प्राइस 200 रुपये रखा। 27वें दिन पठान मूवी का टिकट प्राइस 200 रहने वाला ओनली, एंड इसके बाद आपको टिकट्स का प्राइस केवल 110 रुपये में देखने को मिलेगा सैटरडे तक। और यहाँ पर अगर बात करें पठान मूवी काफ़ी अच्छा कलेक्शन करती है वो नकुर नजर आ रही। सैटरडे संडे को काफ़ी बड़ा हमको जंप देखने को मिला था। अगर ये मैं बात करें पठान मूवी अब तक 26 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 996 करोड़ पूरे वर्ल्ड वाइड में कमा चुकी है, जो कि इतिहास की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। डोमेस्टिक ग्रास जो है पठान मूवी का 621 करोड़ हो चुका है, एंड ओवरसीज ग्रास है पठान मूवी का 375 करोड़ हो चुका है, जिसको कुल मिला के पठान मूवी 996 करोड़ कमा चुकी है। एंड यहाँ पर पठान मूवी 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री कर चुकी है। आज का कलेक्शन ऐड करने के बाद पठान मूवी 1000 करोड़ के आंकड़े में एंट्री कर चुकी है। अभी 27वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐड करना बाकी। यहाँ पे अगर बात करें पठान मूवी ने KGF चैप्टर 2 बाहुबली ट्रिपल आर मूवी के लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन को केवल 26 दिनों के अंदर बीट करके इतिहास की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। अगर आप शाहरुख खान को दिल से प्यार करते हो तो इस वीडियो को भी दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। यहाँ पर बात करें पठान मूवी ने बाहुबली 2 का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिंदी में था 510 करोड़, जिसको पठान मूवी ने केवल 26 दिन के अंदर 511 करोड़ हिंदी कलेक्शन करके बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगर मैं बात करें पठान मूवी ने फर्स्ट वीक के अंदर ये पूरे इंडिया से 364 करोड़ का कमाई किया था और हिंदी में 351 करोड़ का कमाई किया था, जबकि पठान मूवी वीक 2 के अंदर 94 करोड़ कलेक्शन हुआ था और हिंदी में 91 करोड़ का किया था। वीक 3 के अंदर 46 करोड़ का कलेक्शन हुआ था और 46 करोड़ जो पठान मूवी को हिंदी में हुआ था। वीक 4 के अंदर पठान मूवी 10 करोड़ का हिंदी कलेक्शन कर चुकी है और अब तक पठान मूवी हिंदी लैंग्वेज में 515 करोड़ कमा चुकी है, जो कि बाहुबली और ट्रिपल आर मूवी KGF चैप्टर 2 का जो इंडिया से कलेक्शन हुआ था उससे कहीं ज़्यादा है। अगर मैं बात करें पठान मूवी ने बाहर की कंट्री से बहुत ज़्यादा कमाई की है, पठान मूवी एक इतिहास रच दिया हिस्ट्री में। अगर मैं बात करें पठान मूवी का 17, 18, 19 फरवरी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, पठान मूवी ने यहां पे फ्राइडे को 2 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया था, सैटरडे को पठान मूवी ने 3 करोड़ 32 लाख का कलेक्शन किया था, एंड संडे को हमको जंप देखने को मिला, पठान मूवी 3 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया था। अभी मंडे का कलेक्शन ऐड करना बाकी है। 3 दिन का कलेक्शन पठान मूवी का 9 करोड़ 22 लाख था, जबकि शहजादा मूवी की बात करें शहजादा मूवी 3 दिन के अंदर 19 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया है, जबकि कहीं ना कहीं देखे शहजादा मूवी ने पठान मूवी के कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला है। जब से ज़्यादा मूवी रिलीज हुई है तो थोड़ा बहुत आपको नीचा देखने को मिलेगा, पठान मूवी का कलेक्शन कुछ कम हुआ है। जबकि बात करें आंट मैन 3 जो इंडिया से, आंट मैन ने केवल इंडिया से 25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो एक हॉलीवुड मूवी होने के साथ आंट मैन ने 25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जबकि शहजादा एक इंडिया मूवी होने के बावजूद 19 करोड़ का कलेक्शन कर पाई है। शहजादा मूवी का बजट 60 करोड़ था, क्या शहजादा मूवी अपना 60 करोड़ कमा पाएगी? शहजादा फुट सुपर डुपर फ्लॉप होने वाली है। आप लोग कमेंट सेक्शन में शहजादा फ्लॉप हो जाएगी अपना जो बजट को क्रॉस कर जाएगी। सो गाइस अब बात करें पठान मूवी का 27वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 2 करोड़ का एडवांस बुकिंग था। जी हाँ गाइस, पठान मूवी 27वें दिन कुल मिला के पूरे इंडिया से 7 से 8 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है। पूरे वर्ल्ड वाइड में इंडिया से केवल 2 करोड़ 3 से 4 करोड़ हो सकता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में 7 से 8 करोड़ का रहने वाला, जिसको ऐड करने के बाद पठान मूवी 1010 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतने, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बॉक्स ऑफिस 100% रियल इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।